आपने वाला वीडियो जिसमें हमने आपसे बात की थी कि आपको यूनिट्स चूज करनी है सब्जेक्ट चूज करना है वो जरूर देख लिया होगा मैंने एक कैलकुलेशन आपको बताया था कि अगर सारा का सारा सिलेबस किया जाए और इसको सही ढंग से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाते हुए किया जाए तो एक्चुअली तीन दिन लगते हैं अगर एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करें हमने कहा नहीं यार ये तो पॉसिबल नहीं है अगर आप आज मई जून में मुझसे बात कर रहे हैं और दिसंबर अगर आपका टारगेट है यानी कि अभी से या महीने बाद या ये वीडियो आप जब भी देखते हैं, तो चार पांच महीने बाद अगर आपका टारगेट है तो ये सारा का सारा का कोर्स इफेक्टिव तरीके से से कि ज्यादा ज्यादा आप आउटपुट ले सको आप ज्यादा प्रैक्टिस भी कर सको ज्यादा लर्निंग कर सको और नंबर बहुत अच्छे ला सको उसके लिए कैसे स्ट्रैटेजी अपनाएंगे हमने क्या किया वापस से इस सारे के सारे सब्जेक्ट्स को लाइन से रखा और हमने कहा देखो यार ओवरऑल कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको कि आप प्रिपेयर यूजली नहीं करना चाहते तो हमने ऐसे चार वो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किए जो सामान्य तौर पर ज्यादातर लोग प्रिपेयर नहीं करना चाहते ज्यादातर लोग बोला है मैंने मैंने सबके लिए नहीं बोला है हम ये पूरे के के पूरा प्रोग्राम एक्चुअली महीने हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं जिसमें कि हम कह रहे हैं कि भाई कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर मैंने यहाँ पर सर्किल बनाया है सेवन नाइन इलेवन ट्वेल्व इनमें से आप जो चूज करना चाहें वो करें क्योंकि थोड़े से लंबे भी कोर्स हैं और यूजली लोग अवॉइड करना चाहते हैं जरा सा पहले मैं अपने प्रोग्राम के बारे में बताऊं की वॉट एग्जैक्टली प्रोग्राम इज प्रोग्राम में सिंपल सा फंडा है से फॉर एग्जांपल आप जून से शुरू कर रहे हैं जून में हम दो कोर्सेज को एक साथ शुरू करेंगे क्योंकि मैं सब्जेक्ट वाइज कर रहा हूं यहां पर आपकी चॉइसेस हर जगह पर उपलब्ध है कि सब्जेक्ट आपके दो चूज किए आपने सपोज जून के लिए जो हमने आपको दिए हैं ऑफर किए हैं जून uh, में मॉर्निंग आफ्टरनून टाइम है थ्री थर्टी का वो है आपका जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स कोर्स जिसमें नंबर ऑफ सेशन हम लोग प्रोजेक्ट लेके चल लेकर प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं ट्वेंटी फाइव सेशन होंगे लगभग फोर्टी आवर्स की वर्किंग होगी इसमें तीन बार आउट सेशन होगा आउट सेशन के बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर भी एक बार वीडियो देख लेंगे एक्जेक्टली आउट होता क्या है दो ऑनलाइन टेस्ट होंगे जो कि इसको कोर्स को पूरा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे जिसमें एक जेनेटिक्स एक जेनेटिक्स का होगा और इस प्रकार से लगभग 40 घंटे प्लस ये तीन घंटे प्लस ये दो घंटे लगभग 45 घंटों की वर्किंग हमारी आपके साथ रहेगी पूरा का पूरा कोर्स लाइव होगा इसकी रिकॉर्डिंग आपको इस पूरे के पूरे महीने में अवेलेबल रहेगी अगर आप इस कोर्स को जून के बाद देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है वो लाइव नहीं होगा रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव होगी इस शब्द को आप क्लियर, करते हैं। क्लियर समझ लीजिएगा अगला महीना चलता है फिर हमारा जुलाई से जुलाई से अगस्त का बैच जुलाई से अगस्त में जो कि बड़े बड़े कोर्सेज दो महत, महत्वपूर्ण कोर्सेज होंगे आफ्टरनून सेशन में हम लोग आप कर लेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक वाला कोर्स जो कि लगभग 30 सेशन का होगा 50 घंटे की इसमें वर्किंग होगी सेल बायोलॉजी एंड कम्युनिकेशन जो कि मैंने आपसे कहा था कि सिग्नलिंग को हम इसमें कंसिडर करते हैं पच्चीस सेशन होंगे लगभग चालीस घंटे की वर्किंग होगी इसमें चार चिड़िया सेशन और तीन चिड़िया सेशन इसमें तो कुल मिलाकर ये आपका हो गया अगस्त का मॉलिक्लोबायलॉजी बायोलॉजी टी जो कि सबसे बड़ा सेशन है उसको हम डेडिकेटेडली सितंबर में 330 वाले बैच में रख ओनली बाकी का बर्डन आपके ऊपर नहीं रखेंगे एक पूरा महीना लगातार काम करना है 30 सेशंस का हम लोग रख के चलेंगे जिसमें कि कई बार एक दिन में दो सेशंस भी लिए जाएंगे फोर्टी फाइव आवर्स की वर्किंग रहेगी तीन चिड़ियाउट सेशन और आपके तीन टेस्ट इसके अंदर होंगे इसमें पूरा मॉल बायो आरडी टी और जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट होगा अक्टूबर नवंबर जो कि लास्ट है प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट और एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी इस तरीके से इसको पूरा होगा हमारी कोशिश होगी कि जो नवंबर मिड ऑफ नवंबर तक अराउंड मिड ऑफ नवंबर तक ये सारे के सारे सात कोर्सेज खत्म कर लिए जाएं और एक प्रैक्टिस क्रैश कोर्स और सुपर चिड़िया जिसको हम बोलते हैं वो नवंबर और दिसंबर में चले जिसमें चालीस घंटे चालीस घंटों की वर्किंग हो पच्चीस सेशन लिए जाए और लगभग 22 के लगभग ऑनलाइन टेस्ट जिसको आप क्रैश कोर्स कह सकते हैं ये विशुद्ध रूप से लाइव कोर्स होगा ये कोर्स वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने कहीं और कोचिंग की है या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस कर रहे हैं इनके लिए लास्ट का डेढ़ महीना बहुत बहुत क्रिटिकल होता है जिसको कि हम बहुत सीरियसली लेना चाहते हैं अब आप कहेंगे कि यार इतना जल्दी जल्दी आपने किया बाकी के लोगों का क्या बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनका क्या बाकी के टॉपिक्स हैं एनिमल फिजियोलॉजी अप्लाइड बायोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी इकोलॉजी कंजर्वेशन बायोलॉजी मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड माइक्रो बायोलॉजी मिनोलॉजी चूंकि मैंने कहा है कि ये ऑप्शनल है हर व्यक्ति इसको प्रिपेयर नहीं करेगा तो जो जो भी लोग इसको लेना चाहते हैं उनको रिकॉर्डेड कोर्स ऑफर करेंगे हम जिसको जो कोर्स लेना है वो वो कोर्सेज लेगा इसमें लगभग नंबर ऑफ लेक्चर एनिमल फिजियोलॉजी में 66 हैं दो तरह की क्लासेस हैं आई गुरुजी वीडियोस और नॉर्मल एडिटेड लाइव क्लासेस अप्लाइड बाय टेक्नोलॉजी में प्लांट टिश्यू कल्चर एनिमल टिश्यू कल्चर बायो रिएक्टर्स और बायो सारे इन्फॉर्मेटिक्स के सारे पच्चीस के लगभग हैं इसमें इकोलॉजी कंजर्वेशन बायोलॉजी बायोलॉजी फील्ड फील्ड इन लगभग लेक्चर्स हैं हमारे लेक्चर का मतलब होता है आधा घंटा लेक्चर मतलब दो घंटा नहीं होता डायवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म बेसिकली क्लासिफिकेशन और प्लांट एनाटॉमी वगैरह के टॉपिक्स माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी लगभग तीस लेक्चर्स ये आपकी चॉइस है कि आप क्या कह लेना चाहते हैं नाउ हर बार आप लोग एक ही जगह पर अटक जाते हैं और वो होता है डिस्काउंट क्या मिलेगा फीस क्या होगी और कैसे कैसे होगा एंड बहुत सारी आपकी क्वायरीज है करना कुछ नहीं है आपको वेबिनार में आना है इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है फॉर्म भरिए और वेबिनार में आइए और भी ज्यादा डिटेल में हम आपकी मदद कर पाएंगे कौन से कौन से कोर्सेज आपको चूज करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए क्योंकि हर आदमी अलग है हमारा मानना है हर व्यक्ति अलग है दूसरा एक और इस तरह के कोर्सेज की सबसे बढ़िया बात है कि अगर आपको लगता है कि नहीं वी आर नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट हमारी काबिलियत उतनी नहीं है कि आपको हम पढ़ा सकें तो जाहिर सी बात है एक महीने बाद आप छोड़ दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बड़ी कोचिंग में पैंतीस हजार रुपए देने के बाद एक महीने बाद छोड़ने का ऑप्शन नहीं होता मैं आपको यहाँ हर महीने छोड़ने का ऑप्शन दूंगा जब आप चाहें अपना कोर्स विद्रॉ कर लीजिए भाई एक महीने किया अगला वाला कोर्स हम लेंगे ही नहीं ये फ्रीडम बेसिकली दिखाती है हम कितने कॉन्फिडेंट हैं थैंक यू वेरी मच